विद्युत पोल पर काम कर रहे लाइनमैन की अचानक लाइन शुरू होने से करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया। आगरा के थाना एदमादपुर क्षेत्र के गांव चावली में बिजली घर पर संविदा कर्मी कब्बू खान की गंभीर हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संविदा कर्मी कम्मू खान की विद्युत कनेक्शन काटने गया था। इस दौरान बिजली द्वारा उसे शटडाउन दिया गया, लेकिन अचानक करंट चालू कर दिया गया, जिस दौरान संविदा कर्मी लट्ठे पर चिपक कर मौत हो गई। मृतक कब्बू खान के छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं। कब्बू खान की पारिवारिक स्थिति काफी कमजोर है, जहां उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। CSC एदमादपुर पर चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद एदमादपुर पुलिस द्वारा मृतक का पंचनामा करने के लिए परिजनों को कहा गया, लेकिन गुस्साए परिजन बोरी लेकर एदमादपुर बिजली घर पहुंचे, जहां डेड बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया। एदमादपुर के गांव बास रतना में संविदा कर्मी विद्युत लाइन की चपेट में काम करते समय करंट आने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने सबको बिजली घर पर रखकर जाम लगा दिया, हंगामा शुरू कर दिया। विजय सोलंकी, आगरा, समाचार 24। तेरा क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई? सिरौनी के रहने वाले हैं। ये लाइन मैन थे, सुबह काम कर रहे हैं। उसके बाद 11 बजे करीब फोन आया इनका, जैसे ये आपका। क्या नाम है इनका? कम्मू खान। कहाँ पर काम कर रहे थे? ये रत्नावास काम कर रहे थे। रत्नावास कहाँ कहाँ पर काम कर रहे थे? शटडाउन में था जब काम किया था। फिर क्या हुआ? रत्ना जी मुझे नहीं पता क्या हुआ, फोन आया जैसे ये बात। तो करंट लगा था क्या हुआ? हाँ, करंट लगा है, कान जला है। कान जल गया है। हाँ, संविदा कर्मी की मौत हुई है, क्या मामला है, क्या मदद की जा रही है? हाँ, ये करीब 11:15 बजे शटडाउन ले रहा था संविदा कर्मी, दिया था और गांव का भी तो ये चढ़ा है उसको, तभी जो है बताते हैं कि करंट वगैरह लगा है, और उससे भी उस पर रात से ही हॉस्पिटल में ले गया है, उसकी मृत्यु घोषित कर दी। अब इसमें ये है, प्रक्रिया ये है कि इसमें उनको 7.5 लाख का जो कार्यभार है राष्ट्रीय तरफ से, और प्लस जो है जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी हो जाएंगी तो पेंशन भी इनको मिलेगी करीब 8,000 के आसपास। उसका भी प्रावधान है सडन होने के बावजूद में करंट आने का, क्या जाँच की जाएगी? हाँ, इसकी ये जाँच का विषय है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो है उनको हम एक फॉर्म 44 होता है वो भरा जाए, तो अभी तुरंत भर के और उनको सूचना दी जाएगी और इसकी जाँच करा कर और ये पता चलेगा कि क्या इसका एक्चुअल में क्या हुआ। संविदा कर्मी था कुशल श्रमिक था। सर, क्या मामला है ये? ये सर जी, हम तो देहात के रहने वाले हैं। ये लाइनमैन साहब बहुत दिन से लाइन का काम करता है, और गांव में जब मालूम पड़ा कि कम्मू को लाइन में पकड़ लिया है तो इसको ये वहीं खत्म हो गया है, इसको तो हॉस्पिटल लेके आए। कहाँ पे काम कर रहे थे? ये रतना के पास में कोई बिजली का काम था, वहाँ कर रहा था ट्रांसफार्मर का, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि डबल लाइन थी, 11,000 की और लाइन थी जो जिस लाइन से ये काम कर रहा था वो तो शटडाउन पे थी। और ये भगवान मालिक है क्या हुआ इसके साथ, करंट लगा है, करंट लगा है, कान पे निशान भी बन रहा है, देख रहा है। अच्छा, आप लोग यहाँ आए थे, क्या मांगे आप लोग यहाँ पे आए? हमारी ये है सर जी, अब छोटे बच्चे हैं इसके पास, 4 बच्चे हैं, अब ये खत्म हो गया इसके पास, शाम को भी ये बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, हमारी तो ये गुजारिश है कि कुछ इसकी सहायता हो। गरीब परिवार है, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है। ठीक है। आगरा